नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर। पॉपुलर टीवी सीरियल अलीबाबा दास्तान ने काबुल से टीवी सीरियल एक्ट्रेस तनिषा शर्मा ने मुंबई में अपने मेकअप रूम के अंदर ही सुसाइड कर लिया है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, उनके फैंस के लिए बहुत दुखद खबर है। तनिषा शर्मा जो कि अलीबाबा दास्तान ने काबुल और इसी के साथ में फिल्म फितूर के अंदर भी एक्ट्रेस का रोल कर चुकी है और इसी के साथ 20 साल की उम्र में तनिषा शर्मा ने कई टीवी सीरियल से लेकर छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक की फिल्मों के अंदर काम किया है। तनिषा शर्मा जिनकी उम्र 20 साल है, उन्होंने कई टीवी सीरियल्स एक्टर के रूप में काम कर एक अच्छी पहचान बना ली थी। पर दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुंबई के अंदर तनिषा शर्मा ने अपने ही मेकअप रूम के अंदर सुसाइड कर लिया है और तनिषा शर्मा के साथ में घटना होने के बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाएगा जहां पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 6 घंटे उनका इलाज चला और अपने मेकअप रूम के अंदर टीवी सीरियल एक्ट्रेस तनिषा शर्मा ने उनके फैंस और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। बतौर एक्ट्रेस के रूप में काम करते हुए तनिषा ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स एक्ट्रेस जैसे कि अलीबाबा दास्तान काबुल से लेकर एक बड़ी फिल्म फितूर के अंदर भी रोल किया है और इसी के साथ ही तनिषा की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षित थी। तनिषा ने बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ भी काम किया है, पर ऐसे में एकदम से तनिषा शर्मा का इस दुनिया से चला जाना उनके फैंस के लिए काफी ज्यादा दुखद है। अगर आप अलीबाबा दास्तान काबुल देखते हैं तो तनिषा के लिए कमेंट बॉक्स में मिस यू जरूर लिखे।